फेंक दिए। जैसे उनने नीचे फेंकी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा और पता नहीं कितनी दूर वो उड़ गया था, खाली पैकेट। ड्राइवर वहां गया, उठाया, वापस लेके आया। अब ये पत्रकार महोदय आश्चर्यचकित थे, ये कैसा ड्राइवर है। उसे पूछा, भाई हो क्या गया? तो ड्राइवर का उत्तर था कि साहब आपने खा के ये पैकेट बाहर फेंक दिया, मेरी गाड़ी में डस्टबिन है, ऐसे बाहर मत फेंकना, मेरे इंदौर की इज्जत का सवाल। जब स्वच्छता की भावना एक चालक के ड्राइवर के मन में भी इतने गहरे तक पैठ बना लेती है, तब कोई शहर इंदौर बनता है। यह हमारी प्रेरणा है। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश ने लगातार प्रयास किया और स्वच्छता हो और चाहे स्मार्ट सिटी का मिशन, हमने इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। हमने इसको केवल जनप्रतिनिधियों का आंदोलन नहीं रहने दिया, हमने इसको केवल अफसरों का आंदोलन नहीं रहने दिया। मुझे याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, स्वच्छता के लिए आह्वान किया था, तो मैं और मेरे मंत्रिमंडल के साथी शहर शहर गए थे, जनता के साथ चर्चा हमने की। बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश ने अगर ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं तो जनता के सहयोग के कारण प्राप्त किए हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं इतना आह्वान जरूर करता हूं, 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने फिर आह्वान किया है, 1 घंटा कम से कम स्वच्छता के लिए जरूर निकालें। मैं चूंकि मध्य प्रदेश के सभी शहरों से, हमारे अध्यक्षगण, हमारे अधिकारीगण आए हैं, इसलिए उनसे और आज के कार्यक्रम का लाभ उठा के आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, 1 घंटा हम खुद हाथ में झाड़ू उठाएं और स्वच्छता के अभियान में भाग लें। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा शहर हमारे पीछे चलेगा और हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हमें गर्व है कि हम इस दौर में भारत की धरती पर हमने जन्म लिया है। आइए अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और मध्य प्रदेश के सब मित्रों से कहना चाहता हूं, पहले स्थान पर आ गए तो फूले नहीं, कॉम्पिटिशन तगड़ा है और ये प्रतिस्पर्धा हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। तो रुक जाना नहीं है, आगे और बढ़ना है, इसलिए कि राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। मैं कोई भेदभाव नहीं देखता, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, लेकिन अच्छे कामों के लिए हम आपस में प्रतिस्पर्धा करें कि देखो कौन आगे रहता है, तो हमारा देश दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है, इसलिए मध्य प्रदेश के हर शहर को भी सावधान रहना है, स्मार्ट भी रहना है और स्वच्छ भी रहना है। चुनौतियां इधर उधर से मिल रही है, उनकी तरफ ध्यान भी रखना है, मुकाबला भी करना है और आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए। सभी मिलकर हम एक सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। और बधाइयों का ये सिलसिला जारी रखते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय राज्यपाल जी को, माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को, उनसे निवेदन है इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह जी, राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, तुलसी सावर जी, उषा ठाकुर जी, सांसद शंकर लालवाणी जी, महापौर इंदौर पुष्यमित्र भार्गव जी,
आवास एवं ग्रामीण विकास सचिव श्री मनोज जोशी जी, कार्यक्रम में पधारे हुए महानुभाव भाइयों बहनों अधिकारी गण, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्वलेव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए सम्मानित और प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। महोदया, मध्य प्रदेश के राज्य में प्रथम नागरिक के रूप में मां अहल्या बाई की पावन धरा पर आपका स्वागत करता हूं। सम्मानित सभी प्रांतों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट वर्ष 2022 की 10 पुरस्कार कैटेगरियों में से 9 में प्रदेश के 5 शहरों को 10 पुरस्कार मिलना हम सब प्रदेशवासी के लिए गर्व और गौरव का विषय है। पुरस्कार प्रदेश के स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरों के एकीकृत विकास और तकनीकी नवाचारों के द्वारा नागरिकों को सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयासों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। पुरस्कृत स्मार्ट शहरों के नागरिक अधिकारी कर्मचारी और राज्य स्तर के नोडल टीम सहित सभी बधाई और साधुवाद के हकदार है। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश आज अपने संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से विकास के नए आयाम तय कर रहा है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अधोसंरचना विकास के कार्यों का नया मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल में भविष्य की शहरीकरण की भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन सपनों का हकीकत में बदलने का सफल उदाहरण है, जिसमें पेयजल, स्वच्छता, परिवहन, पर्यावरण सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हम सब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के द्वारा समावेशी विकास का अभूतपूर्व स्वरूप विकसित हो रहा है। हमारा देश सभी दिशाओं में आत्मनिर्भर, अद्भुत और अतुल्य भारत निर्माण की और तेजी से साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी नागरिक क्षेत्रों के नागरिकों से अपील करता हूं कि वह भी एकजुट होकर संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर शहर बनाने के लिए संकल्पित हो। ISAC पुरस्कार की विभिन्न कैटेगरी के विजेताओं से अपेक्षा करता हूं कि पुरस्कार उन्हें अधिक बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। आप सभी सम्मानित प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देते हुए, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड। माननीय राज्यपाल जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपके प्रेरक संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, अब यहाँ पर उपस्थित सभी की तरफ से मैं करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से कि वह अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। नगरों के विकास एवं ग्राहक रखाव के महत्वपूर्ण विषय से जुड़े इस आयोजन में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी,
पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी, इंदौर के मेयर श्री पुष्यमित्र मार भार्गव जी, देवी और स्वजनों, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे खुशी है कि इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब तो इंदौर देश की स्मार्ट सिटीज में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केंद्र सरकार से संबंध विभागों तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की सराहना करती हूं। उनकी कर्तव्यनिष्ठा के परिणाम स्वरूप प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में इंदौर प्रथम स्थान पर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में मध्य प्रदेश द्वारा बेस्ट स्टेट का गौरव प्राप्त करने पर मैं राज्य के सभी निवासियों को राज्यपाल की, मुख्यमंत्री जी के और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मैं राज्य के सभी स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे कार्यों से जुड़े लोगों की सराहना करती हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ यूनियन टेरिटरी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ और राज्य के प्रदर्शन के आधार पर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले तमिलनाडु तथा संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज अलग अलग श्रेणियों में 66 पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्मार्ट शहरों में और राज्यों में फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बधाई देती हूँ कि आप स्मार्ट सिटीज मिशन और अन्य पहलों के माध्यम से शहरों के विकास के लिए निरंतर प्रभावी कार्य कर रही हैं। देवियों और स्वजन, मुझे इस आकलन से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 40 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ से अधिक हो जाएगी। तब हमारी 50% से अधिक देशवासी शहर क्षेत्र में रहेंगे। भारत के शहर आज देश की जीडीपी में लगभग 2/3 योगदान करते हैं। अनुमान है कि शहरों का जीडीपी को कुल योगदान वर्ष 2047 तक 80% से अधिक हो जाएगा। इन आंकड़ों से ये संदेश मिलता है कि शहरों और नगरवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोड मैप तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रत्येक विषय पर तथा हर स्तर पर सतत विकास की चर्चा में शामिल है वो है क्लाइमेट चेंज। इस संदर्भ में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क जो भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया है और इस बात का उदाहरण है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य किया जा सकता है। आज शहरों में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का लक्ष्य है मेक सिटी एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। ये लक्ष्य शहरों के संपूर्ण और समावेशी विकास के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिशा में हमें अभी बहुत आगे जाना है। देवियों और सुजन, मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि शहरी विकास में हमारे देश का समग्र निवेश पिछले दशकों के दौरान पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक हो गया है। बेस्ट प्रैक्टिसेस को लागू करने और वैल्युएबल
वायबल बिजनेस मॉडल्स विकसित करने में स्मार्ट सिटीज मिशन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजन किए। अर्बन 20 G20 का एक सब ग्रुप था। अर्बन 20 ने शहरों के बीच जुड़ाव की एक स्थायी प्रथा स्थापित करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से एक सामूहिक संदेश भी दिया गया है कि सतत विकास की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने में शहर के प्रबंधन को महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विश्व के बेस्ट मैनेज शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनके बिजनेस मॉडल्स से हमें सीखना चाहिए और अपने सफल प्रयासों को भी अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिए। लोकल और ग्लोबल स्तर पर सहयोग करना समग्र तथा सतत विकास के लिए आवश्यक है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सभी 100 स्मार्ट शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित है, जो डेटा का उपयोग करके उस पर आधारित निर्णय ले रहे हैं। हमारे नागरिकों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। CCTV सर्विलेंस कैमरे आज कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि इन 100 स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे प्रयास हमारी 4,800 से अधिक कस्बों और शहरों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। हमें पूरा देश में सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ नेबरहुड्स को विकसित करना है। कोई स्मार्ट सिटीज में ऐसा किया जा रहा है, इसके लिए आवश्यक है कि लोग खुद जमींदार बने और अपने शहरों तथा निवासियों के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों शहरों में हर वर्ष फैलती है। इसकी रोकथाम के लिए लोगों के प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन और संबंधित विभागों के सहयोग की आवश्यकता है। इंदौर, सूरत, कोहिमा, श्रीनगर और कई अन्य शहरों ने जन भागीदारी द्वारा सुव्यवस्थित शहरीकरण के सफल उदाहरण प्रस्तुत किए। ये प्रसन्नता की बात है कि वाराणसी, गुवाहाटी, अहमदाबाद जैसे स्मार्ट सिटीज में लैंड रिक्लामेशन किया जा रहा है और नदियों के किनारे सार्वजनिक स्थान विकसित किया जा रहा है। मैं रिवर फ्रंट्स विकसित करने और झीलों तथा जल निकाय को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यरत सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई देती है। इस कॉन्क्लेव के विषय को अतिरिक्त विस्तार देते हुए देशवासियों के हित में ये सुझाव मैं देना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा करने से शहरों पर दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का जीवन भी बेहतर होगा। मैं इस अवसर पर यहां उपस्थित और देश के विभिन्न शहरों से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े मेयर्स एंड म्यूनिसिपल कमिश्नर्स से कुछ बातें कहना चाहती हूं। आप सब लोग अपने शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है, जो देशवासियों के लिए कर्तव्य काल भी है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में आप सबको निरंतर नई विश्वास और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। मैं आशा करती हूँ कि इस कॉन्क्लेव में साझा किए गए सफल प्रयासों की जानकारी का उपयोग आप सब अपने अपने शहरों में करेंगे। ऐसा करके आप सब इस आयोजन को और अधिक सार्थक बनाएंगे। आपके प्रयासों तथा उपलब्धियों के लिए मैं पुनः आप सभी की सराहना करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।